नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अभ्यास है ग्रीय अकेडमी की यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर प्लांट फिजियोलॉजी की एमसीक्यू जो है ना जिसके अंदर हम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट एम सी एग्रीकल्चर के सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इनके पूछने के ज़्यादा चांसेस होते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं यहाँ पर डेली एम प्रैक्टिस कराई जाती है दोस्तों और इस वीडियो की जो पी है आपको अगर डाउनलोड करना है तो आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप एप्लीकेशन से कोर्सेस परचेस करना चाहते हैं किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें दोस्तों पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर एसेंशियल फॉर द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि वो कौन कौन से एलिमेंट हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर एसेंशियल फॉर द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर दोस्तों तीन एलिमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं ना कैल्शियम मै एम एन और क्लोरीन ये तीन जो एलिमेंट होते हैं ज़्यादा अब देखो पहला ऑप्शन यहाँ पर है, है कैल्शियम और क्लोरीन और दूसरा ऑप्शन है एम एन और क्लोरीन ये तो हो गया गलत अब इन दोनों में से ज़्यादा करेक्ट आंसर है भाई एम एन और क्लोरीन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ना कैल्शियम भी इंपॉर्टेंट होता है लेकिन अगर इन दोनों ऑप्शन में जाए तो एम एन एम एन बहुत सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना एम एन जो होता है वाटर के फोटोलाइसिस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो याद रखना आपको कि जो मैगनीज एंड क्लोरीन होता है ये जो एलिमेंट है वाटर के फोटोलाइसिस के लिए ज़रूरी होते हैं ना हाँ एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि वाटर का फोटोलाइसिस कहाँ पर होता है तो ये होता है हमारा नॉन साइक्लिकी एस में किसमें होता है नॉन साइक्लिक में जो पी एच सेकेंड होता है पी एच सेकेंड के अंदर वाटर का फोटोलाइसिस होता है ठीक है वाटर के फोटोलाइसिस से क्या निकलती है ऑक्सीजन गैस निकलती है क्वेश्चन नंबर सेकंड है रेस्पिरेटरी क्यूसेंट आरक्यू किसे कहते हैं ना आरक्यू का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों देखो रेस्पिरेशन की रिएक्शन क्या होती है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स प्लस सिक्स ओ टू प्लस ट्वेल्व एच टू ये होती है ठीक है इधर क्या बनता है सिक्स सी ओ टू प्लस ट्वेल्व एच टू ठीक है प्लस यहाँ पर एनर्जी ठीक है ए टी पी आते हैं कितने थर्टी सिक्स या थर्टी एट ए टी पी यहाँ पर रिलीज होते हैं तो रेस्पिरेशन में जो निकलने वाला सी ओ टू है ठीक है उसका बोल्यू ठीक है तो वॉल्यूम ऑफ सीओ टू ठीक है वॉल्यूम ऑफ़ ठीक है थीके? जो, होती है, जो होती है, इन दोनों के रेशो को क्या कहते हैं ठीक है आरक्यू क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सीओ टू और वॉल्यूम ऑफ ओटू का जो रेसो होता है अनुपात होता है ये अभी एग्जाम में बहुत ज्यादा

फॉर्मेशन होता है ये एग्जाम में ज्यादा पूछते हैं ठीक है वन ऑफ ऑफ द द फॉलोइंग इज ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ठीक है में ठीक है इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में हेल्प करता है तो देखो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है जनरली दोस्तों ईटीएस के अंदर और ईटीएस में कौन होता है साइट तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है साइट क्योंकि ईटीएस के अंदर इलेक्ट्रॉन का त्र... यहाँ पर नाम ही क्या है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ईटीएस तो साइटोक्रोम होता है ठीक है तो साइटोक्रोम क्या करता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में हेल्प करता है क्वेश्चन नंबर फाइव एपो एंजाइम इज ठीक है तो दोस्तों जो एंजाइम होते हैं एंजाइम ठीक है तो एंजाइम में दो तरह के पार्ट पार पार है, पार होते हैं एक प्रोटीन पार्ट होता है एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम के अंदर दो पार्ट होते हैं एक प्रोटीन पार्ट होता है ठीक है प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं एपो एंजाइम ठीक है प्रोटीन पार्ट को ही क्या बोला जाता है एपो एंजाइम होता है दूसरा होता है नॉन प्रोटीन पार्ट ठीक है दूसरा कौन सा होता है नॉन प्रोटीन पार्ट होता है

तो वहां पर क्या होता है डिफरेंट टाइप के साइटोक्रोम्स होते हैं तो उनका करेक्ट सिक्वेंस क्या होता है दोस्तों सबसे पहले साइटोक्रोम भी होता है सबसे पहले कौन होता है साइटोक्रोम भी होता है फिर इलेक्ट्रॉन जाता है साइटो सी के पास साइटोक्रोम सी से आता है इलेक्ट्रॉन साइटो ए के पास फिर फाइनली साइटोक्रोम ए के पास ठीक है तो फाइनल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है साइटोक्रोम में ए होता है कभी कभी एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ई फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है तो इसका आंसर होता तो है ऑक्सीजन फाइनल पूछा अगर साइटोक्रोम में पूछा तो फिर ए थ्री आएगा क्वेश्चन सेल ऑफ कैम प्लांट्स फिक्सेशन के अंदर सी ओ टू का फिक्सेशन जो होता है सी फोर प्लांट की तरह ही होता है लेकिन क्या होता है डिफरेंस होता है कि प्लांट्स के अंदर क्रंज एनाटोमी तो एबसेंट होती है यहां पर देखो क्रेंज एनाटोमी जो होती है वो एब्सेंट होती है ना क्रंज एनाटोमी क्या होती है एबसेंट होती है ठीक है अब एकजय एनाटोमी एबसेंट होती है यहाँ पर तो यहाँ पर दिन और रात के अंदर होता है ठीक है तो यहाँ पर पूछा गया है कि ड्यूरिंग डे दिन के समय कि जो स्टोमेटा क्लोज होते हैं कैम प्लांट्स में आपको पता है कि कैम्प प्लांट्स के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं स्टोमेटा ठीक है वो डे टाइम में क्या रहते हैं क्लोज्ड डे टाइम के अंदर क्या रहते हैं वो क्लोज्ड रहते हैं ठीक है थीचे? और नाइट में क्या होते हैं ओपन नाइट में क्या होते हैं यहाँ पर ओपन होते हैं

लिंक रिएक्शन तो लिंक रिएक्शन मैंने आपको बताया था कि पायरुविक एसिड से लिंक रिएक्शन जो होती है पायरुविक एसिड से एसिटाइल गोअाम का फॉर्मेशन ठीक है एसिटाइल गोअाम के फॉर्मेशन को लिंक रिएक्शन ये कहाँ पर चलती है तो माइट्रोकोडिया की मैट्रिक्स में कहां पर चलती है माइट्रोकोंडिया की मैट्रिक्स में तो कहां पर फॉर्मेशन होता है तो माइट्रोकोडिया के अंदर क्वेश्चन नंबर नाइन द नंबर ऑफ ए टीपी मोलिक्यूल्स प्रोड्यूस बाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फ्रॉम क्रैप साइकिल इंटरमीडिएट इन ए सिंगल टर्न मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा कैसा क्वेश्चन है कंसेप्चुअल क्वेश्चन अगर आपको क्रैप साइकिल बहुत अच्छे से समझ आ गई है लास्ट क्लास के अंदर जो मैंने पढ़ाई है ठीक है तो यहाँ पर पूछा गई क्रैप साइकिल के जो इंटरमीडिएट बनते हैं मतलब एन जो बनता है और एफ जो बनते हैं ठीक है क्लियर है तो एन ए में एक बार जब क्रेप साइकिल चलती है तो हमको पता है तीन एन ए डी दो एफ मिलते हैं ठीक है ये इंटरमीडिएट है जब इनका ईटीएस में जाएंगे मैंने आपको वहां पर बताया था जब ये ईटीएस में जाते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं एटीपी तो ये कितने बनाएगा तीन इन टू तीन ये बनाएगा नो एटीपी कितने बनाएगा नो ये कितने बनाएगा तो आंसर है दो ठीक तो है तो यहाँ पर कितने है? दो ए टी तो यहाँ पर हमको टोटल कितने मिलेंगे ग्यारह और एक जी हमको अलग से मिलता है तो उसको काउंट नहीं करेंगे यहाँ पर है ना इसको काउंट नहीं करना है यहाँ पर पूछा गया ये इंटरमीडिएट है ना ये तो डायरेक्ट ही है इसको काउंट नहीं करना है तो हमको यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा ग्यारह कि क्रैप साइकिल जब एक बार चलती है तो उसके इंटरमीडिएट जो होते हैं एन ए डी एच उससे हमको ग्यारह ए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन इन एनारोबिक रेस्परेशन द नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस एनारोबिक रेस्परेशन में कितने ए हमको मिलते हैं तो इसका करेक्ट आंसर है टू ए टी पी हमको मिलते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन इन फॉलोइंग द स्टेप्स ऑफ क्रैफ साइकिल सी ओ टू अब कौन सी स्टेप्स में क्रैफ साइकिल में सी ओ टू निकलती है तो पूरी क्रैप साइकिल में दो ही स्टेप जहाँ होती है कार्बन का छह कार्बन का क्या का का। यहाँ पर सीयू टू निकली नहीं। और जो का कितने कार्बन का छह कार्बन का ये अल्फाउटोलूटेट कितने कार्बन का पांच मतलब एक सीयू टू यहाँ पर निकलती हुई ठीक है तो इस स्टेप में क्या निकलेगी देखो सीयू टू यहाँ पर ये सक्सिनिक एसिड चार कार्बन का फ्यूमेरिक एसिड चार कार्बन का मैलिक एसिड चार कार्बन का ये भी चार तो इसी वाली स्टेप में पांच जब छह कार्बन से पांच कार्बन बनेगा अगजलो सक्सिन एसिड जब अल्फा कीटो अल्फाइट बनता है तो क्या होता है डी कार्बोजेशन होता है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर वन ऑफ द फॉलोइंग इन क्रेप साइकिल साइकिल में कौन सा अंजाम यूज नहीं होता है तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ठीक है एल्डोजेज और बाकी सभी एक्टिजाम यूज होता है डी यूज होता है यूज होता है

कि जो ग्लूकोज होता है सी फाइव एच ये क्या होता है टू सी टू एच फाइव ओ एच एलक्स टू सी ओ टू में ब्रेक हो जाता है ठीक है टू सी ओ टू प्लस हीट यहां पर हीट निकलती है तो यहां पर क्या है? Alcohol मिलता है हमको एल्कोअल मिलता है ग्लूको का मतलब क्या होता है ग्लूको का मतलब होता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन लेकिन अदर देन कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सोर्सेज अदर देन द कार्बो देखो कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट को छोड़कर अगर किसी और से नई चीज़ से अगर न्यू लेगा ना न्यू न्यू का मतलब होता है कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना है लेकिन अदर किसी चीज़ से कार्बोहाइड्रेट को छोड़कर अगर अदर किसी कंपाउंड से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है तो उसको क्या बोलेंगे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम अभी मैंने आपको एंजाइम बताया था ठीक है क्वेश्चन के अंदर कि नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है तो नॉन एक होता है प्रोटीन पार्ट जिसको हमने बोला था एपो एनजाइम प्रोटीन पार्ट को क्या बोला था हमने एपो एनजाइम क्या बोला था एपो एंजाइम ठीक है ये होता है एपो एनजाइम अब दूसरा होता है भाई नॉन प्रोटीन पार्ट ठीक है नॉन प्रोटीन पार्ट तो नॉन प्रोटीन पार्ट के अंदर ये सब कुछ आते हैं ना को फैक्टर ठीक है इसको कहते तो हैं कोफैक्टर इसके अंदर आते हैं हमारे को एनजाइम ठीक है को एनजाइम आता है एक आता है मेटेलिक ग्रुप एक क्या आता है मेटेलिक ग्रुप आता है और एक आता है प्रोस्थेटिक ग्रुप ठीक है प्रोस्थेटिक ग्रोप ये सब क्या होते हैं नॉन प्रोटीन तो प्रोस्टेटिक ग्रुप को एनजाइम को फैक्टर और ओलोप्तीज ये सभी क्या होते हैं दोस्त नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं और प्रोटीन पार्ट को क्या कहते हैं एपो एनजाइम कहते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन राइबोजाइम आर भाई राइबोजाइम क्या होता है तो राइबोजाइम क्या होता है दोस्तों जब आर आर एन ए जो होता है ना आर एन ए का हो या फिर आर आर एन ए जो होता है जब ये एंजाइम की तरह बिहेवियर करता है जब ये एंजाइम की तरह देखो आर आर एन ए क्या है एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है ये क्या है न्यूक्लिक एसिड आर एन ए क्या होता है न्यूक्लिक एसिड तो जब आर आर एन होता है या आर एन ए जो होता है जब एंजाइम की तरह वर्क करता है तो इसे क्या बोलते हैं हम राइबोजाइम कहते हैं तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा एक्टिंग एज ए एंजाइम साइकिल जो होता है वैज्ञानिक ने एक्सपेरिमेंट फॉर ट्रेसिंग आउट ऑफ द पाथ ऑफ कार्बन ठीक है कौन सी एलगी का उसने यूज किया दोस्तों उसने दो एलगी का यूज किया था एक क्लोरेला था दूसरी कौन थी सेंडेसमस क्लोरेला और सेंडेसमस एलगी पर उसने एक्सपेरिमेंट किया था

जीडीपी का फॉर्मेशन होता है तो यहां पर भाई का यूज किस में किया जाता है फर्मेंटेशन तो में क्या बनाने के लिए एलकोहल ईस्ट का यूज किसमें करते हैं फर्मेंटेशन में ठीक है फर्मेंटेशन से क्या बनता है अभी मैंने आपको बताया फर्मेंटेशन से भाई एल्कोहल बनता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन एन सी फोर प्लांट इनिशियल CO2 फिक्सेशन टू फिक्स एंड टेक्स प्लिन द भाई C4 जो प्लांट्स होते हैं इनमें आपको पता है क्रांज एनाटोमी होती है क्या प्रेजेंट होती है क्रांज एनाटोमी अब ये जो क्रांज एनाटोमी है ठीक है क्रांज एनाटोमी एक क्रांज एनाटोमी भाई दो प्रकार की सेल होती है एक होती है म्यूजोफिल और दूसरी होती है भाई बंडल सीथ सेल दूसरी कौन सी होती है बंडल सीथ सेल ठीक है बंडल सीथ सेल अब सेल के अंदर है ना सेल, सेल के अंदर, और दूसरी बार यहाँ पर होता है आर यू बी पी से आग, कभी आपसे पूछा जाए कि आर यू बी पी का जो फिक्सेशन होता है सेकेंड बार सी फोर प्लांट में वो किस सेल में होता है तो बंडस सी सेल में होता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू द पायरुविक एसिड फोर्म्ड

इनका जो क्लोरोप्लास्ट ग्रेनल होता है और इसका क्या होता है एक ग्रेनल मतलब ग्रेना एक ग्रेना रहित नहीं होते तो सी प्लांट इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर ठीक है ट्वेंटी फोर इज मोर देन वन ठीक है भाई आरक्यू जो है अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था आरक्यू जो है ना ओ टू अपॉन ओ टू को आरक्यू कहते हैं तो आरक्यू एक से ज्यादा किसका होता है तो ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं मैलिक एसिड ऑक्जोलिक एसिड उनका आरक्यू हमेशा एक से ज्यादा होता है फैट का कितना होता है पॉइंट सेवन होता है फ्रक्टोज ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट होता है कितना होता है वन होता है

तो उसने कार्बन के किस आइसोटोप का यूज किया था तो देखो जनरली कार्बन क्या होता है ये ठीक है ये होता है तो इसने कार्बन का किसका यूज किया था कार्बन फोर्टीन ऑक्सीजन का भी यूज किया था भाई ऑक्सीजन क्या होती है ये होती है ऑक्सीजन इसने आइसोटोप तो 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 का यूज किया था इसने यूज किया था ऑक्सीजन के अठारह तो इन दोनों कार्बन फोर्टीन ऑक्सीजन एटीन आइसोटोप का यूज किया था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन एन ए डी पी रिड्यूस टू एन ए डी पी एच टू भाई किसमें एन डी पी एच टू का फॉर्मेशन होता है तो नॉन साइक्लिक फोटो की जो प्रोसेस चलती है नॉन साइक्लिक फोटो की जो प्रोसेस वहां पर क्या होता है एन का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर पी एच सेकेंड इसका से भी आंसर माना जाएगा भाई पी एस सेकंड इसी का पार्ट होता है और यहीं पर एक्चुअली एन ए डी एप तो ये भी इसका आंसर माना जाएगा तो क्वेश्चन नंबर थर्टी तो टोटल इल्ड इन वन क्रैप साइकिल तो वन क्रैप साइकिल के अंदर देखो तीन एन ए डी पी एच टू एक एफ डी एच टू और एक ए टी पी ए टी पी मतलब जी टी पी है ना ये की बात होती है ये हमको मिलते हैं तो टोटल अगर ए की फॉर्म में पूछा जाए तो बारह ए ठीक है अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले यहाँ पर हमको इससे मिलेंगे नो ए इससे मिलेंगे दो नोट दो ग्यारह और एक ये है बारह टोटल कितने ए हो गए बारह ए क्वेश्चन नंबर थर्टी वन हाउ मैनी ए टी पी विल बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ वन ऑफ एसिटाइल फ्रॉम वन मोलिकुल ऑफ पायरुबिक एसिड देखो पायरुबिक एसिड से एसिटाइल को एसीटाइल को एंजाइम जब बनता है ठीक है तो यहां पर क्या बनता है एक NADH2 बनेगा, एक से जब, क्या बनेगा, NADH2. दोस्तों यहां पर? एक से जब थोड़ा डीप में था अगर आपको परफेक्ट रिएक्शन पता है कि हमको एक पायरुबिक एसिड से एक एसिटाइल बनता है तो कितने एक बनेगा? तो कितने ए हो जाएंगे तीन ए का फॉर्मेशन होगा क्वेश्चन नंबर थर्टी टू क्रैप साइकिल टेक्सप्लेन क्रेप साइकिल कहाँ होती है भाई माइटोकोडिया की मैट्रिक्स में, में होती है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ सी यू टू इन सी फोर प्लांट ठीक है सी फोर प्लांट में पहली बार सी यू टू कहाँ पर चलती है म्यूजूफिल सेल के अंदर और वहाँ पर कौन करता है पेपकेज कौन करता है ठीक है एक्सेप्टर पूछा तो पी ईपी एक्सेप्टर कौन होता है पीईपी वोसपो इनोल पायरुबेट ठीक है एंजाइम कौन सा हो जाता है पैपकेज और सी यू टू एक्सेप्टर होता है पेपकेज ठीक है पी पी और सेकेंड बार मैंने आपको बताया कौन होता है आर यूबीपी होता है क्वेश्चन थर्टी फोर सेलुलर रेस्पिरेशन आकर्ष सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब भाई जो हमारी सेल के अंदर चलता है कहाँ चलता है माइट्रोकोडिया के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस कहां थर्टी फाइव है भाई इंसेक्टिवरस प्लांट जो है कीटों को क्यों खाते हैं तो आंसर है नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने इंसेक्टिवरस भाई नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट को खाते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी और एटीपी इज लिबरेटेड ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ भाई फैट के प्रोटीन से स्टार्च या विटामिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि, कि किसके ऑक्सीडेशन से हमको सबसे ज्यादा एनर्जी प्राप्त होती है तो इसका करेक्ट आंसर क्या है फैट इसका करेक्ट आंसर है फैट के ऑक्सीडेशन से आपको सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन टू प्रूव दैट ऑक्सीजन इवोल्व इन फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर कि भाई प्रकाश संश्लेषण में फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन आती है वो कहां से आती है वाटर ये सबसे पहले किसने प्रूव किया तो रूवेन हैसत कामिन इन्होंने क्या किया था जो वो नील था

सिग्निफिकेंस ऑफ क्रैप साइकिल कि क्रैप साइकिल का क्या महत्व है देखो क्रैप साइकिल कहाँ चलती है माइट्रोकों के अंदर और तो माइट्रोकोंडिया के अंदर ए टीपी का प्रोडक्शन ठीक है तो सेंतेस ऑफ ए टी करेक्ट आंसर है मैंने आपको क्रैफ साइकिल जब पढ़ाया तो वहाँ पर एक चीज़ और बताई थी कि क्रैप साइकिल के जो इंटरमीडिएट्स होते हैं तो डिफरेंट कंपाउंड बनाने में काम आते हैं इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं एम फी बोले क्या ना क्या बोलते हैं इसको हम एम फ्यू तो भाई उसके जो कुछ इंटरमीडिएट्स होते हैं जैसे अल्फा क्यूटू ग्लूट्रेड जो होता है अल्फा क्यूटू ग्लूट्रेड पाँच कार्बन वाला ये क्या होता है ठीक है ये क्या बनाने में अम्यूनो एसिड बनाने में काम आता है ठीक है जो सक्सिनिक एसिड होता है ठीक है सक्सिनिक एसिड जो होता है वो क्या होता है क्लोरोफिल बनाने में काम आता है तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ओलो तो उपरोक्त सभी आंसर आएगा फाइनली मैं ऐड कर देना चाहता हूँ अगर आप एग्रीकल्चर की आर एच यू क्वालिटी कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या फिर एस एडियो आर एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए एक सितंबर 2021 से नया बैच शाम को सात से नौ स्टार्ट हो रहा है लाइव क्लासेस की फ़ीस है मात्र पंद्रह सौ रुपये और रिकॉर्डेड क्लासेस का जो है वन थाउजेंड जिसमें आपको कंप्लीट एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्लस टेस्ट सीरीज आपको सारी चीज़ मिलेगी आप कैसे क्लास अटेंड करेंगे इसके लिए आपको क्या करना है दिए गए नंबरों पर कॉल करना है या फिर आप हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और आप मेरे को एक मैसेज सेंड कर सकते हैं कि सर मुझे बैच जॉइन करना मैं आपको ऐड कर दूँगा आई होप आपकी वीडियो बहुत पसंद आई होगी चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू